यूँ तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम ऐसे स्टार्स हैं जो बड़ी मुश्किल से लाख रुपए ही कमा पाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत कम फीस मिलती है। बावजूद इसके वो अपनी फीस बढ़ाने की डिमांड भी नहीं करते। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वही 10 बॉलीवुड स्टार्स तो यूँ मुंह फाड़ कर फीस की डिमांड करते हैं कि वो दबा कर आराम से करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, जिन्हें अपनी फिल्मों से मुंह मांगी रकम मिलती है। तो आखिरकार कौन कौन से वो 10 सितारे और कितने दबाकर पैसे कमाते हैं, वो चलिए आपको उनकी अमीरी के बारे में बताते हैं। नंबर 1, संजय दत्त। बॉलीवुड के मुन्ना भाई यानी कि संजय दत्त एक हाई फी डिमांड एक्टर हैं, जो अपनी एक फिल्म से 6 करोड़ रुपए आराम से कमा लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक संजय दत्त के पास कुल 150 करोड़ रुपए की संपत्ति है। हर महीने वो अपने दूसरे कामों से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं, जिसके चलते इनकी लाइफस्टाइल किसी राजा महाराजा से कम नहीं है। नंबर 2, रजनीकांत। वही साउथ और बॉलीवुड के फेमस एक्टर रजनीकांत तो अपनी एक फिल्म से 50 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, इसलिए आज इनकी नेटवर्थ 365 करोड़ रुपए है, जिसके चलते आज इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगले, घर तो है ही, साथ ही इन्हीं पैसे की बदौलत आज ये काफी महंगी लाइफस्टाइल जीते हैं। नंबर 3, ऋतिक रोशन। खबरों की माने तो बॉलीवुड के बॉडी बिल्डर ऋतिक रोशन की नेटवर्थ आज $370 मिलियन है, जिसके चलते आज इनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जहां मुंबई में इनके 2 बड़े बड़े फार्म हाउस तो हैं ही, साथ ही एक आलीशान घर भी है जो कि एंटिक चीजों से सजाया गया है, और इनके पास काफी हाईफाई गाड़ियां भी हैं, क्योंकि अपनी फिल्मों से ये दबाकर पैसे कमाते हैं। नंबर 4, अक्षय कुमार। खिलाड़ी अक्षय कुमार की कमाई के बारे में जानकर तो बड़े बड़े लोगों के छक्के ही छूट जाते हैं, क्योंकि अपनी फिल्मों से ये 100 करोड़ रुपए बड़ी आसानी से कमा लेते हैं, जो कि इन्हें इनके अच्छे काम को देखकर भी मिलती है। वहीं खबरों की माने तो कठपुतली फिल्म के लिए इन्होंने 135 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। नंबर 5, अमिताभ बच्चन। यूं तो अभिनेता अमिताभ बच्चन आज एक्टिंग में सक्रिय नहीं है, पर इन्होंने अपने जमाने की फिल्मों में भी 5 करोड़ रुपए चार्ज किए थे, जिसके चलते इन्होंने 500 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति बना ली, और उसी से करोड़ों रुपए का शानदार घर बनवाया और बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी, इसलिए इनकी गिनती सबसे ज्यादा अमीर अभिनेताओं में होती है। नंबर 6, सलमान खान। वहीं अपनी एक फिल्म से 130 करोड़ रुपए चार्ज करने वाले अभिनेता सलमान खान हैं, जो कि इतने अमीर हैं कि आज इनके पास क्या कुछ नहीं है। करोड़ों की धन दौलत, संपत्ति, शोहरत सब कुछ इनके पास है, जो अपनी फिल्मों से दबाकर इतना पैसा कमाते हैं कि आज ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। नंबर 7, शाहरुख खान। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान एक फिल्म के लिए 85 करोड़ रुपए दबाकर चार्ज करते हैं। बता दें, इन्होंने अब तक 120 से अधिक फिल्मों में काम किया है, जिससे इन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं, जिसकी बदौलत से इन्होंने 200 करोड़ रुपए का तो अपना मन्नत हाउस ही बनवाया है। नंबर 8, अजय देवगन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगर अजय देवगन अपनी फीस के तौर पर एक फिल्म के लिए 40 से 50 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और सालाना 25 करोड़ रुपए तक की कमाई कर लेते हैं, जबकि महीने में 2 करोड़ से ज्यादा कमा लेते हैं। नंबर 9, सनी देओल। पॉपुलर अभिनेता सनी देओल के पास 120 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। साल 2021 में इनका नेटवर्थ $16 मिलियन बताया गया था। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सनी देओल एक महीने में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं और साल भर में इनकी आमदनी 12 करोड़ रुपए के आसपास होती है। वेल दोस्तों, क्या वाकई ये सितारे इतने पैसे कमाते हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।